भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक और लाल बाल पाल की तिकड़ी के मशहूर नेता लाला लाजपत राय का जीवन आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत्र बना हुआ है। उन्होंने न सिर्फ आजादी की लड़ाई के दौरान नेतृत्व किया, बल्कि अपने जीवन उदाहरणों से उस आदर्श को स्थापित करने में सफलता पाई जिसकी कल्पना एक आदर्श राजनेता में की जाती है। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने चैनल दीपावली में भारत की आजादी के महानायक लाला लाजपत राय का जीवन परिचय देते हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शुरुआती जीवन और देश प्रेम की बात करूंगी तो लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला राधा कृष्ण एक अध्यापक रहे। इसका प्रभाव लाजपत राय पर भी पड़ा। शुरुआती दिनों से ही वह एक मेधावी छात्र रहे हैं और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वकालत की ओर रुख लिया। वे एक बेहतर वकील बने और कुछ समय तक वकालत भी की, लेकिन जल्दी ही उनका मन इस काम से उचट गया। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था के प्रति उनके मन में रोष पैदा हो गया। उन्होंने उस व्यवस्था को छोड़कर बैंकिंग का रुख किया। बैंकर, बीमा कर्मी और गरम दल के नेता थे ये। उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए बैंकिंग का नवाचार किया। उस समय तक भारत में बैंक कोई बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती की तरह लिया और पंजाब नेशनल बैंक तथा लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। दूसरी तरफ वे लगातार कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजों की खिलाफत करते रहे। अपनी निर्भकता और गर्म स्वभाव के कारण इन्हें पंजाब केसरी के उपाधि से नवाजा गया। बाल गंगाधर तिलक के बाद वे उन शुरुआती नेताओं में से थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। पंजाब में वे सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। आजादी के प्रखर सेनानी होने के साथ ही लाला जी का झुकाव भारत में तेजी से फैल रहे आर्य समाज आंदोलन की तरफ भी था। इसका परिणाम हुआ कि उन्होंने जल्दी ही महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर इस आंदोलन का आगे बढ़ाने का काम हाथ में ले लिया। आर्य समाज भारतीय हिंदू समाज में फैली कुरीतियों और धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार करता था और वेदों की ओर लौटने का आह्वान करता था। लाला जी ने उस वक्त लोकप्रिय जनमानस के विरुद्ध खड़े होने का साहस किया। ये उस दौर की बात है जब आर्य समाजों को धर्म विरोधी समझा जाता था, लेकिन लाला जी ने इसकी कतई परवाह नहीं की। जल्दी ही उनके प्रयासों से आर्य समाज पंजाब में लोकप्रिय हो गया। उन्होंने दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में भी किया। अभी तक भारत में पारंपरिक शिक्षा का ही बोलबाला था, जिसमें शिक्षा का माध्यम संस्कृत और उर्दू थी। ज्यादातर लोग उस शिक्षा में वंचित थे जो यूरोपीय शैली या अंग्रेजी व्यवस्था पर आधारित थी। आर्य समाज ने इस दिशा में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों को प्रारंभ किया, जिसके प्रसार और प्रचार के लिए लाला जी ने हर संभव प्रयास किए। आगे चलकर पंजाब अपने बेहतरीन डीएवी स्कूल्स के लिए जाना गया। इसमें लाला लाजपत राय का योगदान बहुत अच्छा रहा। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि लाहौर का डीएवी कॉलेज रहा। उन्होंने इस कॉलेज के तब के भारत के बेहतरीन शिक्षा के केंद्र में तब्दील कर दिया। ये कॉलेज उन युवाओं के लिए तो वरदान साबित हुआ जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा संचालित कॉलेजों को घत्ता बता दिया था। डीएवी कॉलेज ने उनमें से अधिकांश की शिक्षा की व्यवस्था की। कांग्रेस और लाजपत राय जी का कनेक्शन क्या था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ना लाला जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। 1888 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और यह पहला अवसर था जब लाला लाजपत राय को इस संगठन से जुड़ने का अवसर मिला। अपने शुरुआती दिनों में ही उन्होंने एक उत्साही कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस ने पहचान बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वे कांग्रेस के पंजाब प्रांत के सर्वमान्य प्रतिनिधि मान लिए गए। 1906 में उनको कांग्रेस ने गोपाल कृष्ण के साथ गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया। संगठन में उनके बढ़ते कद का ये परिचायक बनी। कांग्रेस में उनके विचारों के कारण उठापटक प्रारंभ हुई। वे बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के अलावा तीसरे नेता थे जो कांग्रेस को अंग्रेजों की पिछल लघु संस्था की भूमिका से ऊपर उठाना चाहते थे। लाला लाजपत राय जी की मांडले जेल यात्रा। कांग्रेस में अंग्रेज सरकार की खिलाफत की वजह से वे ब्रिटिश सरकार की नजरों में उखड़ने लग गए। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस से अलग कर दिया जाए, लेकिन उनका कद और लोकप्रिय देखते हुए ये करना आसान नहीं था। 1907 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेज सरकार ऐसे ही मौके की तलाश में थी और उन्होंने लाला जी को ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उन्हें देश निकाला देते हुए बर्मा के मांडले जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन सरकार का ये दाव उल्टा पड़ गया और लोग सड़कों पर उतर आए। दबाव में अंग्रेज सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा और लाला जी एक बार फिर अपने लोगों के बीच वापस आए। 1907 आते आते लाला जी के विचारों से कांग्रेस का एक घड़ा पूरी तरह असहमत दिखने लगा था। लाला जी को उस गरम दल का हिस्सा माना जाने लगा था जो अंग्रेज सरकार से लड़कर पूर्ण स्वराज लेना चाहती थी। इस पूर्ण स्वराज को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम और पहले विश्व युद्ध से बल मिला और लाला जी भारत में एनी बेसेंट के साथ होम रूल के मुख्य वक्ता बनकर सामने आए। जलियांवाला बाग कांड ने उनमें अंग्रेज सरकार के खिलाफ और ज्यादा असंतोष भर दिया। इसी बीच कांग्रेस में महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव हो चुका था और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गांधी स्थापित हो चुके थे। 1920 में गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन तबियत बिगड़ जाने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। इसी बीच उनके संबंध लगातार कांग्रेस से बिगड़ते रहे और 1924 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी में शामिल हुए और केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए। यहाँ भी जल्दी ही उनका मन उचट गया और उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया और एक बार फिर असेंबली का हिस्सा बने। लाला लाजपत राय की मृत्यु का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। भारत की आज़ादी की लड़ाई एक बड़ा वाक्य उस वक्त घटित हुआ जब भारतीयों से बात करने आए साइमन कमीशन का विरोध का फैसला गांधी द्वारा लिया गया। साइमन कमीशन जहां भी गया वहां साइमन गो बैक के नारे बुलंद हुए। 30 अक्टूबर 1928 को जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक दल शांतिपूर्वक साइमन गो बैक के नारे लगाता हुआ अपना विरोध दर्ज करवा रहा था। तभी अंग्रेज पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया और एक युवा अंग्रेज अफसर ने लाला जी के सर पर जोरदार प्रहार किया। लाला जी का कथन था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। सिर पर लगी हुई चोट ने लाला लाजपत राय का प्राणांत कर दिया। उनकी मृत्यु से पूरा देश भड़क उठा। इसी क्रोध के परिमाण स्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की और फांसी के फंदे से झूल गए। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों में से एक रहे जिन्होंने अपना सब कुछ देश को दे दिया।
उनका जीवन ढेर सारे कष्टों और संघर्ष की महागाथा है, जिसे आने वाली पीढ़ियां युगों तक कहती सुनती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।